तो देखो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, घड़ी में बज चुकी है 11:15 हो रहा है और अभी मैं सारा काम नीचे से करवा के आई हूँ। और आज है डे है संडे और थोड़ा सा भी मौसम खुला है। जैसा कि सबको पता है कि सुबह से बारिश बारिश हो रही है, हमारे तो कल रात से ही हो रही है बारिश। तो मैंने सोचा कि उन्हें छत पे आके थोड़ा थोड़ा कुछ काम कर लिया जाए। उसके बाद जो मैंने आपको आखिरी वीडियो शेयर की थी ना, उसके बाद मैंने कुछ भी काम नहीं किया, मैं छत पे नहीं आई थी क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। तो मैंने बोला चलो छत पे आके कुछ कुछ काम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ शेड का काम भी करवाना है, मगर शेड वाले भैया काम तब करेंगे जब यहाँ वो बारिश रुकेगी। तो चलो ठीक है, अभी बोला तो है बारिश वारिश रुक गई है, आएंगे तो वो काम स्टार्ट करेंगे। जब तक तो मैं भी थोड़ा थोड़ा कुछ काम कर लेती हूँ और वो क्या काम करूँगी आपके साथ में करूँगी शेयर। आई होप कि आपको समझ में क्या अच्छा लगे तो आपको पता है कि फ्रेंड्स क्या करना है। तो शुरू करते हैं। तो देखो अब अंदर जाने वाली हूँ और उससे पहले दिखा देती हूँ बाहर की हालत आपको इस टेरिस गार्डन की। ये देखो कुछ इस तरीके से हो गया है हमारा ये टेरिस गार्डन सारा ही, और बिना ग्रीन नेट लगाए यार काम नहीं चलने वाला है। अभी मौसम ठीक है, कूल है, अच्छा है, मस्त हो रहा है, मगर कब तक, मई जून में तो फिर गर्मी पड़ने लगेगी और ये थर्ड फ्लोर पर फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला मेरा। तो देखो दूर से दिखाते हैं आपको कि इस तरीके से हो गया, उसमें वो एंगल लगाने ज़रूरी है, उसके बिना काम ना चलने वाला। चलो अंदर चलते हैं। अब तहस नहस हो गया, वापस सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। तो देखो ये मैंने नहीं ये बाहर निकाल के रख दिया, बारिश में गीली हो गई थी, सूख जाती है वापस, धूप धूप लगती है अच्छे से वापस सूख जाते हैं। जैसे ये मिट्टी विट्टी यहाँ रखी हुई ना, मेरा पॉटिंग मिक्स ये भी सब गीला हो जाता है, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम साफ होता है ये सारे सूख जाते हैं अच्छे से बढ़िया। तो चलो ठीक है, चलते हैं अंदर और काम करते हैं कुछ कुछ। बाहर का तो वैसा ही है जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, उस तरीके से सेट किया, कुछ नहीं चेंज किया। अंदर कुछ कुछ करना है, उसके लिए जाती हूँ अंदर। तो देखो यार बहुत तेज़ की धूप पड़ रही है, तो मैं क्या कर रही हूँ पौधे थोड़े से शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि भैया आएंगे ना एक वो इस जगह एक पिलर लगाएंगे एक इधर इधर, तो मैं ये वाली जगह सारी स्पेस खाली कर रही हूँ, नहीं तो फिर बाद में आके पौधों को इधर उधर गड़बड़ कर जाते हैं। इसलिए मैं ये सारी सामान हटा के यहाँ कोने में शिफ्ट कर रही हूँ इस तरीके से यहाँ, जिससे कि मेरे पौधे ख़राब ना हो, बारिश में वैसे ही बहुत ख़राब हो चुके हैं और अब ख़राब ना हो। तो इस तरीके से मैं सारे पौधे ये प्लांट्स अभी घुसा के रख रही हूँ, सब कुछ नहीं कर रही हूँ, सारे एक तरफ कॉर्नर में शिफ्ट कर रही हूँ। इधर रख दिए हैं ये सारे, इधर रख दिए हैं थोड़े कुछ और, इधर रख दिए हैं। अब देखो क्या क्या हटाते हैं, इसमें से भी कुछ कुछ हटाएंगे, नहीं तो काम करते वक्त फिर हमारे पौधों को नुकसान हो जाएगा यार। ये बड़ा है, इसको हटाती हूँ। चलो ठीक है, इसको हटाती, दोनों हाथ से हटाना पड़ेगा, मोबाइल नीचे रखते हैं पहले। तो मैं क्या करूँ, जितने भी मेरे सर्कुलेंट्स वगैरह ना अभी है ना, मैं नीचे रख रही हूँ इन्हें, नीचे मतलब ऐसी जगह जहाँ ना नहीं एकदम पानी ना लगे इनके ऊपर, क्योंकि फिर ख़राब हो जाएंगे। दो तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है और ये ख़राब हो जाएंगे फिर। और भी मैंने दो तीन रख दिए हैं, देखो वो वहाँ कप वहाँ रख दिया है, ये देखो जो कप में ग्रो किया था ना वो यहाँ रख दिया है। लक्ष्मी कमल मैंने यहाँ ऊपर रख दिया है, बाकी ख़राब हो गए मेरे लक्ष्मी कमल, ये वाला बच जाए इसलिए मैंने इसको यहाँ ऊपर रख दिया है। अभी धूप में भी रखे होंगे मगर फिर नीचे रहूँगी फिर बारिश पड़ जाएगी, इसलिए यहीं रखना सही है इसके लिए। इसमें भी बहुत पानी भर गया, इसको अभी पानी में निकाल देती हूँ। देखो मेरे स्वीट पोटैटो का, इसको भी मैं इस तरीके से अंदर, यहाँ भैया काम करेंगे फिर ख़राब कर देंगे, तो इसको अभी और कहीं शिफ्ट कर देती हूँ मैं। इसको कहाँ रखूँ वहाँ कौन, देखो कितने अच्छे से ग्रो कर रही है। तो इस तरीके से सारे ही पौधे मैं सेट कर रही हूँ और फिर बाद में करेंगे इन सबको अरेंज, क्योंकि अगर मैंने बाई चांस थोड़ा बहुत भी अरेंज कर दिया भैया देखो बटरफ्लाई हो रही है तो भैया के फिर गड़बड़ करके आएंगे, इसलिए मैं भी कुछ अरेंजमेंट नहीं कर रही, बाद में डेकोरेशन करेंगे। पॉन मैंने यहाँ रख दिया अपने इस तरीके से, यहाँ नीचे इस तरीके से एक लक्ष्मी कमल मैंने यहाँ नीचे रख दिया इधर। तो इस तरीके से पौधे सारे, ओवरव्यू भी देती हूँ आपको मेरे पूरे टेरेस गार्डन का, एक बार देखो इस तरीके से बारिश में कैसे क्या हो गए। बटरफ्लाई वगैरह उड़ रही है, इतना कूल लग रहा है। अभी तक मैं वो नीचे मेरा पौधा गिरा ना, उसको ना देखने गई ना लेने गई, बाल्टी वहाँ है वो उसको उठाती हूँ, और नेट ना लगाऊँ ना तो ये इतना थर्ड फ्लोर पर कि सब ख़राब हो जाएंगे जल के मेरे। अभी धूप नहीं आ रही है मगर जैसे ही मैंने नेट नहीं लगाई ना, ये धूप लू आंधी तूफान ये आना शुरू हो जाएंगे, मुझे पता है। अब भैया ने कहा था कि यहाँ भी एक पिलर लगाएंगे, तो मैं ये जगह भी खाली कर देती हूँ, और वो पिलर है ना टेम्परेरी होंगी, जैसे थोड़ा सा उसको ज़मीन में गाड़ देंगे, सीमेंट वेमेंट लगा देंगे, और जब हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो वापस उसको निकाल लेंगे। तो इससे कि छत वत को भी कोई नुकसान नहीं होता, बस एक सीमेंट की एक लेयर बिछा के उसके ऊपर पिलर लगा दिए रहते हैं और फिर वो एकदम सही हो जाता है। बहुतों ने लगा रखा है हमारे यहाँ, वहाँ भी आपको दिख रहा होगा, देखो कुछ घूम करके दिखाती हूँ, वो देखो एक दिख रहा है आपको वहाँ, वो उस तरीके से वहाँ एक मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, आपको क्या दिखाऊँ वहाँ, तो उन सब ने भी क्या लोहे के एंगल ही लगा रखे, देखो वहाँ
दिखेगा नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, वहाँ भी किसी ने ऐसे ही बना रखा है। तो मगर मैंने क्या कर रखा था, ऐसे बांस बल्लियों पर टिका रखा था, मगर मुझे भी वही करना पड़ेगा। उसमें क्या थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मैं भी सोच रही थी चलो ठीक है, मगर खर्चा करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। और वो जाएंगे तो भैया ने बोला कट वट के वापस हम उसको ले जाएंगे, मतलब कट के या तो मैं रख लूँगी या वो वापस लोहा उसका उनका ले जाएंगे, थोड़े बहुत पैसे वैसे काट के बांट के। तो चलो ठीक है काम करती हूँ। अभी सारे पौधे कितने अच्छे हो रहे हैं देखो, ऐसे ही अनिवन तरीके से पड़े हैं, उसको इग्नोर करना बस, वो बहुत अच्छे रहे। मगर अभी जैसे बारिश बारिश आ रही है ना, सारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। देखो ये देखो फर्न भी कितना, फर्न का ये बहुत अच्छा सीज़न है फर्न प्लांट का, इसलिए देखो कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। वाला फर्न भी मैंने वहीं रखा है, मगर अभी क्या है जगह नहीं है ना बिल्कुल भी, और भैया के पता नहीं लोहे वो इधर उधर लाएंगे, लकड़ियाँ इधर लाएंगे, लकड़ियाँ क्यों तो मेरे पौधों को ख़राब कर देंगे, इसलिए मैं थोड़े थोड़े अंदर अंदर घुसा रही हूँ इन पौधों को, जिससे नुकसान कम हो। वो एरिया साफ़ करना था। और पौधे बहुत प्यारे, चंपा देखो कितना कूल हो रहा है, ये देखो पौधे आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे हो रहे हैं। ये देखो यहाँ से वहाँ तक एकदम मस्त ग्रीनरी हो रखी है, वो हैंगिंग भी अच्छे हो रहे हैं, हैंगिंग वहाँ से हटाना है नहीं तो क्या देखती हूँ। वो हैंगिंग हटा दिए और ये देखो ये सारे भी हटाने पड़ेंगे, क्योंकि भैया इधर आएंगे काम करेंगे तो बार बार इन पौधों को नुकसान हो सकता है, तो ये भी मैं इधर रख देती हूँ ऐसे साइड साइड में, जिससे मेरे के पौधे ख़राब ना हो जाए, ये सब बाद में सही करेंगे, कहाँ लगा। तो अभी भैया से मैंने फ़ोन पे बात कर ली कि कब तक वो पिलर वगैरह काट रहे हैं, वो आके फिर लगाएंगे। अरे इसको मैंने बातों बातों में यहाँ ला के रख दिया, तो बस अब मैं थोड़ा सा आपको गार्डन कवर भी देती हूँ, फिर उसकी वीडियो मैं आपके साथ में बाद में शेयर करूँगी। अभी मैं पौधे जस्ट इधर उधर सेट कर रही हूँ, इधर कुछ काम नहीं है भैया, इधर कुछ नहीं करेंगे, तो इधर ला के मेरे पौधे रख देती हूँ थोड़े बहुत यहाँ। तो इसके अकॉर्डिंग ये सारे हैं मुझे यहाँ से हटाने पड़ेंगे, तो वो हटाती हूँ। और तो क्या, चलो ठीक है करते रहते काम। ये भी गमले यहाँ से हटा दूँ, ये यहाँ रख देती हूँ। तो देखो मैंने मैक्सिमम प्लांट्स हटा दिए हैं, भैया ने जो जो कहा वो सारे हटा देने, वो सारे हटा देने, हटा देने क्या यार, हटा दिए हैं ये सारे, इधर इकट्ठे कर दिए, वो अभी और ला के इधर इकट्ठे कर दिए, इधर इधर उधर के हटा दिए, ये स्पेस खाली कर दी, ये ऐसे कैसे रहने। पर धूप बहुत तेज़ पड़ रही है यार, मैं नीचे रहूँगी, बहुत ही तेज़ की धूप पड़ रही है, अभी इतनी छाया थी अभी इतनी तेज़ की धूप पड़ने लग गई। तो बस चलते हैं नीचे, अब शाम को करेंगे काम सारे, भैया जाएंगे उसके बाद देखेंगे कुछ वीडियो वगैरह बनाएंगे, उन्होंने बोला है वो 1.5 घंटे में आएंगे, जब तक थोड़ा बहुत काम ये हैंगिंग यहाँ से हटाऊँगी पता नहीं चल रहा है कहाँ क्या कैसे सेट करेंगे, मुझे नहीं पता चल रहा, हैंगिंग हटा ही देती हूँ यार आके, नहीं तो फिर वो गड़बड़ गदर मचा देंगे तो फिर मेरे सारा मामला ख़राब हो जाएगा। ये देखो जेब प्लान का हैंगिंग, तो इस तरीके से इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ, ऐसे अड़ेगा तो नहीं कहीं, इसको उठा के यहाँ रख देती हूँ। तो पौधे के थोड़े इधर उधर सेट कर दूँ ना, जिससे बाद में मुझे दिक्कत ना आए, इसको यहाँ रख देते हैं ऐसे ठीक है। और देखो वो पौधे दिखाते को भी दिखाई नहीं ना, जैसे वो देखो मेरा जेड प्लांट कितना अच्छा हैंगिंग बना हुआ उसका, और ये मेरा क्या है ये बेबी डियर्स, कितनी अच्छी हैंगिंग देखो कितना अच्छा, उठा के दिखाती हूँ ये देखो कितना अच्छे से फॉल कर रहा है। अरे धूप आ रही है बहुत तेज़ की यार, मैं जा रही हूँ बस अब इतनी तेज़ की धूप। चलो ठीक है एक दो और काम करते हैं फिर जाते हैं नीचे। चलो ठीक है अब मैं वीडियो को बंद कर रही हूँ, कितनी क्या बनी बहुत इसकी धूप पड़ी, थोड़ा अपना भी ध्यान रखना चाहिए यार, टैनिंग वगैरह हो जाएगी मेरी दिक्कत हो जाएगी। और जैसा कि मैं पौधों का ध्यान रखती हूँ घर का ध्यान रखती हूँ इन सब का, वैसे ही मुझे ना अपने फेस का भी ध्यान रखने की बहुत आदत है, नहीं तो अभी देखो अभी मैंने बोला नीचे आ रही हूँ धूप होती है रही है जस्ट धूप ख़त्म हो जाती है, वहाँ भी पौधे रख दिए थे वहाँ से हटाती हूँ, मेरे पौधे दूसरे ख़राब हो जाएंगे। मम्मी इधर से इसको इधर रख देती हूँ और वहाँ जाके ये पौधे ले लेती हूँ। ये देखो ये मेरा मदर ऑफ थाउजेंड, ये कहाँ रखूँ, अब यही रख देते हैं। तो अब ये हो गई है मेरे गार्डन की कंडीशन, इतनी मुश्किल से सारी चीज़ें मैंने जमाई, इतनी मुश्किल से सारी चीज़ें मैंने सेट की और आज ये वापस कंडीशन हो गई, सब चीज़ें मेरी वापस से हो गई तहस तहस। अब धीरे 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 कम से कम एक हफ्ता लगेगा, रोज़ कुछ कुछ कुछ, कल से जैसे वापस क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आज मेरे पास टाइम है, अगर आज भैया टाइम पे आके कर गए तो भले से रात हो जाए, देखो कैसे फूल होगा, भले रात हो जाए तो भी मैं सारे काम करके जाऊँगी, मतलब इतना नहीं कर पाऊँगी मगर मैक्सिमम करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कल से फिर मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है वापस से क्लासेस में। तो चलो ठीक है वीडियो ख़त्म करते हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो वो देखो वहाँ सारा हिसाब किताब कैसे रखा है, पसंद आएगी तो फ्रेंड्स ओ उसमें देखो कितने अरे फूल खिल रहे हैं देखो इधर 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 इधर। तो चलो ठीक है
इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो आपको पता है कि फ्रेंड्स क्या करना है। ओके बाय।